सत्येंद्र भी यार वो भी सत्येंद्र कर दो चाल देख भैया इंसान नहीं जा सकता इसमें जिम में गोस्ट है भाई, ये रियल गोस्ट है। राजन भाई, हाँ भाई, लोकेशन दी थी उसके हिसाब से सामने की तरफ पहाड़ थे और मुझे लगता है कि अपन बिल्कुल सही जगह है। दोस्तों एक ऐसी लोकेशन लेके आया हूँ आपके लिए आज मैं। इस लोकेशन के ऊपर कहते हैं कि रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी लोग नहीं आते हैं। और जो यहाँ की कहानी मैंने सुनी है इस लोकेशन की, उसके हिसाब से यहाँ पे एक औरत का भूत नजर आता है। मगर यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट होता है क्योंकि जब मैं इस गांव में पहुँचा तो कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है वो कोई भूत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है वो एक औरत का भूत है जो यहाँ पे अक्सर रात में दिखाई देता है। मगर कुछ टीचर लोग ऐसे थे जो इसी गांव के थे, उनसे जब मैं मिला जाके, उनका ये कहना है जिस जंगल के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे एक औरत का भूत दिखाई देता है, उस जंगल के अंदर कोई भी औरत का भूत नहीं है। इस जंगल में अंदर जाने के बाद में कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अनमोल है। उन ज़मीनों को कुछ लोग ऐसे हैं जो हड़पना चाहते हैं। और जब रात होती है यहाँ पे तो जो लोग निकलते हैं उनका डराने का काम हो रहा है यहाँ पे, वो औरत कोई भूत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। दोस्तों मैं कंफ्यूजन में पड़ गया जब ऐसी बातें मैंने सुनी। मेरा यह मानना है कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती है तो अपन जज नहीं कर सकते उसको कि ये औरत है या फिर रियल के अंदर कोई भूत है। इस लोकेशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अगर आपको मेरी बातों से अगर थोड़ा सा भी दुख हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई लोकेशन ऐसी नहीं है जिसके बारे में आपको झूठ बोल के और विजिट करके वीडियो बना के और मेरा चैनल पे अपलोड करूं। इस लोकेशन पे जाने के बाद में पता लगेगा कि यहाँ पे वास्तव में कोई ऐसा गिरोह है या रियल के अंदर कोई स्पिरिट है यहाँ पे। तो यार दोस्तों जो भी भाई चैनल पे ऊपर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और जय श्री राम का एक कमेंट कर देना। जो कि आजकल जो भी वीडियो देख रहा है वो जय श्री राम का कोई कमेंट मुझे दे नहीं रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, एक कमेंट के माध्यम से फैला दो। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इस लोकेशन पर देखते हैं कि रियल के अंदर वो कोई आत्मा है या फिर कोई गिरोह का काम है। चला राजन भाई। हाँ भैया। जितेंद्र भैया यार वो जो समझदार आदमी थे ना यार, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था यार हो सकता है यार कुछ फेक भी हो या कुछ भी हो सकता है। राजन भाई हाँ मेरी बात सुन, मेरे को भी जब वो बातें कर रहे थे ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था वास्तव में उनकी बातों में थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है वो सही कह रहे हो, मगर फिर भी अपन ऐसी लोकेशन पे चल रहे हैं तो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि कुछ हो सकता है कि वास्तव में उनकी बातों में सच्चाई हो और यहाँ पे कोई गिरोह हाँ ये भी हो सकता है। जो भी है देख लेंगे यार, ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, वो पहाड़ जो दिख रहे ना वहाँ तक नहीं चलना अपने को, ठीक है ना यार। राजन यार देख यार बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है रास्ता भैया, अपन है देख कंडीशन देख यार रास्ते की, क्या लगता है राजन आगे बढ़े? क्योंकि यार है ना उनकी बातों में मुझे दम लग रहा था कि हो सकता है कोई गिरोह का काम हो, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीन है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ है अंदर की तरफ, ठीक है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हो सकता है उसके कारण यहाँ पे कोई गिरोह चल रहा हो और डराने की कोशिश कर रहा हो ज़मीनें हड़पने के चक्कर में। फिर भी चलते थोड़ी चलते हैं एक बार, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, ज्यादा आगे नहीं चलेंगे लेकिन है ना। हाँ जो भी होगा वापस आ जाएंगे अपन, वापस एक बार कंफर्म तो करते हैं। बहुत खराब लग रहा है अभी। राजन चाल देख भाई
भाई 101%। एक मिनट भाई, एक चीज और नोटिस कर। देख एक मिनट, एक नोटिस कर, इसकी परछाई बन रही है। भाई मैं 101% कह सकता हूँ ये कोई गोस्ट नहीं है, तेरी कसम खा जाऊं राजन। देख नोटिस कर, इसकी अभी हमने परछाई बनी थी। हाँ भैया। और इसकी चाल देख कैसी है भाई, अजीब चाल है इसकी, बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंसानी चाल है। रुक 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 रुक, एक बार कंफर्म करते हैं, इससे बात नहीं करेंगे जब तक ये देखते हैं जाती कहाँ पे पहले, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ये अपने आदमियों को बुला ले। मुझे जहाँ तक लगता है, फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं, हो सकता है कि कोई शक्तिशाली गोस्ट हो, क्योंकि जो शक्तिशाली गोस्ट होती है ना राजन। हाँ भैया। उसमें भी बताऊँ क्या लफड़ा होता है, ये अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लेती है कि अपनी परछाई तक बना सकती है। ये पहले भी मैंने नोटिस करा था। एक बार थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। एक बार आगे चलते हैं। वो गायब हो गई, वो गायब कहीं नहीं हुई भाई, गायब हो गई। अरे कहीं गायब नहीं हुई यार मेरे भाई, भैया आराम से, भैया अब यही थी। अरे यही है यार, वो मैं कह रहा हूँ ना कुछ चाल है यहाँ पे, 101% दावा के साथ कह सकता हूँ कुछ ना कुछ चाल है यहाँ पे। आ भाई पीछे पीछे पीछे, भैया भैया डर मत, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड देखा था मैंने। ओ भैया मैं राजन की कसम खा के, मैंने खुद ने अभी एक सेकंड, एक बस यहाँ से यहाँ आए अपन कुछ सेकंड के अंदर कैसे। ओ भैया राजन, ओ भैया एक सेकंड के अंदर वहां से यहाँ। ओ भैया राजन, कोई भी भैया अगर इंसान नहीं जा सकता एक सेकंड में, इंसान मतलब इतने से सेकंड के अंदर यहाँ से वहाँ, नहीं पॉसिबल नहीं भैया, कुछ तो है। एक सेकंड राजन, एक मिनट रुक, मेरे को स्कूटर पास में अपन है, एकदम एकदम किसी का विश्वास नहीं कर सकते अपन। गाड़ी पे बैठ भाई, मेरे को थोड़ा बहुत अब कंफ्यूजन है भाई। भैया कुछ सेकंड के अंदर यहाँ से वहाँ कैसे जा सकती है कोई चीज, पॉसिबल नहीं है भैया, पॉसिबल नहीं है यार, ये चीज़ तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। मगर भाई क्या करें यार, आगे बढ़े नहीं बढ़े, कुछ भी हो सकता है। देख गिरोह का अलग, मगर अब साबित हो चुका है भैया ये एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच गई भैया। यार यहाँ थी, यार यहाँ थी दोस्तों, यहाँ से वहाँ पहुँच, यहाँ इतनी सी दूर भक्के गए, सिर्फ बस इतनी दूर गए, बस इतने से सेकंड के अंदर हम गए, बस कैसे जा सकती है यार, कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है यार, मैं तो समझ में नहीं आ क्या करूँ अब। भाई राजन एक बार सुन मेरी बात, गाड़ी के अंदर वो चर्रे वाली रिवॉल्वर तो पड़ी है ना। हाँ पड़ी है, पक्के ना, ठीक है। देख ओ भाई 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 भाई, भाई देख रही है, देख रही है भाई, आगे चल जा। ये क्या हुआ, रुक जा कन्फर्म करे बिना नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से, ऐसे नहीं जाऊँगा राजन। रिवॉल्वर है ना, ध्यान रखना रिवॉल्वर का, ध्यान रखना। हेलो कौन हो आप, कौन हो आप, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हॉरर इन चैनल। राजन नीचे उतर एक बार, आखिर हो कौन तुम, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। देखो हम आपके हाथ जोड़ते हैं, एक बार क्या रुक के बात कर सकते हो आप। दोस्तों मैंने इंट्रो स्टार्ट करा, मैं कंफ्यूज में था कि यहाँ पे कोई गोस्ट है या कोई, मैं अभी भी कंफ्यूज में हूँ, मगर एक चीज अभी तक मेरे को खाई जा रही है, राजन को खाई जा रही है, वो चीज यहाँ से एक सेकंड में से वहाँ कैसे जा सकती है, सिर्फ एक सेकंड में। और आपने शुरू के अंदर देखा होगा ये जो औरत दिखी, हल्का सा मेरे को इसकी परछाई नजर आई थी, उस हिसाब से मैं कन्फर्म था मेरे को कि ये कोई गिरोह का काम है। मगर अब थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है दोस्तों, आखिर में ये चीज क्या है राजन। हाँ ऐसा तो नहीं है कहीं पे, चारों तरफ से ऐसा तो नहीं है कहीं पे, सेम ड्रेस के अंदर यहाँ पे कोई और भी हो, चारों तरफ से कोई डराने वाला हो।
भैया लेकिन एक सेकंड में यार मैं मान नहीं सकता भैया, एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच गई हूँ। तो हो सकता है दो दो तीन तीन हो यहाँ पे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों कुछ भी हो सकता है। देखो आप भाई, मगर रास्ता नहीं है यार भैया, यहाँ जाना इम्पॉसिबल है यार। एक चीज बता सकती है, आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। क्या जेब में डाल ली तूने? हाँ, बंदूक का ध्यान रखना बस, जो भी है क्लियर करके जाएंगे आज इसको। अब मैंने सोच ली, क्योंकि ये चीज पहले बार हुआ मेरे साथ में ऐसा। भाई ध्यान से जाना पड़ेगा यार। हाँ भैया, कंडीशन देख यार, कंडीशन देख इधर की। ओ भाई यार, कोई भी नजर नहीं आ रहा इधर तो। ओ भाई क्या हुआ ये? यार जंगल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और भाई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है यार। भैया ये तो बहुत भयानक लग रहा है यार, क्या करें भाई, घूम जावे ऐसे हैं या आगे चले? थोड़ा सा क्या लग रहा है तेरे को? भैया मुझे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत डर लग रहा है मुझे। ओ भाई सामने देख, सामने देख भैया, भैया भैया ओ भाई देख। राजन फेस देखा भैया, बहुत भयानक था भाई। ये कोई औरत नहीं है, ये औरत नहीं हो सकती भाई। कैप्चर करा तूने फेस? हाँ भैया, कोशिश पूरी की मैंने। रियल गोस्ट है भाई, ये रियल गोस्ट है, ये रियल गोस्ट है, ये रियल गोस्ट है। इसका फेस मैंने देखा है भैया, बहुत खतरनाक है इसका फेस भाई। एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा तो रिस्क लेंगे नहीं, एक बार मेरे कहने पे फेस कैप्चर करते हैं इसका, कोशिश करते हैं भैया, ताकि लोगों तक ये वीडियो दिखा के उनका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं अपन कि ये वास्तव में रियल गोस्ट है ये। हाँ भैया, भैया ज्यादा आगे मत जाना। भाई भैया भैया निकल भैया यहाँ से दोस्तों, ये बहुत भयानक है यार, इसका फेस देख नहीं सकते कोई भी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस यहाँ से निकलना है मुझे। बस भाई मैं पीछे की तरफ तो जाऊंगा ही नहीं, इस तरफ से निकलना पड़ेगा मुझे भैया, आराम से। ओ भाई राजन, एक काम करते हैं वापस निकलते हैं उस साइड से, क्योंकि इस तरफ से जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। भैया आगे जा नहीं सकते, नहीं उस नीचे उतर दो, नीचे उतर एक बार भाई, ना उसके एरिया में नहीं जाएंगे अपन, वो जहाँ खड़ी है ना। हाँ भैया, वहाँ अपने को चलना नहीं है। ठीक है भैया, और तो ना पूरी कोशिश करना इसका फेस कैप्चर करने की। हाँ भैया, बैठ। हे बजरंगबली भगवान, हे बालाजी महाराज, मेरी रक्षा करना। बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों कमेंट करते रहना वीडियो पे भाई, फेस कैप्चर कर लेना तू बस। हाँ भैया आराम से। ओ